गाइस जा रहे हैं हम मेरे घर, तो अभी हम नीचे गाड़ी साफ करके आऊंगा क्योंकि गाड़ी में जमी है पूरी धूल, तो गाड़ी को साफ करके आते निकलेंगे मॉर्निंग में जल्दी, है ना गाइस। गाइस बाल्टी में पानी डाल लिया। गाइस गाड़ी की चाबी तो ले चलते हैं भाई, ये रही गाड़ी की चाबी। गाइस लिफ्ट को बुलाते हैं भाई, आ जा भाई अंदर चलो, आप भूखा जाएगा। हाँ सूच पहन के चलोगे? तो गाइस चलते हैं भाई, बाल्टी को लेकर लिफ्ट में, ये रख दी लिफ्ट में और अब चलेंगे अंदर। गाइस डुबर हो रही है भाई जान, हम लोग तो गाड़ी में चले जाते हैं चाहे उसमें थोड़ी बहुत गंदी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मिंटू को नहीं, गाड़ी साफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो मैं आ गया भाई साहब, साफ करके ही जाऊंगा, ऐसे मुंह फुला के ऐसे ऐसे मैं करके जाऊंगा। आप मिट्टी देख सकते हो गाड़ी पे, देखो कितनी सारी, ओ माई गॉड। 20 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी है भाई, ये इसके टायर की हवा भी कम हो गई है, चलो धो देते हैं इसको। यार ऐसे करते हैं उधर लगा के मोटर चला के मोटर से ही धो देते हैं। तो गाइस गेट ही खोलते हैं और बाहर निकाल के गाड़ी को धोएंगे अच्छे से। गाय की नली है ना, इसको पसारेंगे पहले ना। मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया पर आप देख सकते हो शीशे पे कितनी धूल जमी हुई है भाई, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो गाइस इसके चक्कर में है ना पूरे ऐसे हो गए, गाड़ी धोने के चक्कर में मैंने चला दी मोटर और वहाँ खुल गया पाइप। गाड़ी के चक्कर में पूरी पार्किंग को साफ करना पड़ गया क्योंकि वहाँ पाइप खुल गया था, इसलिए फिर पानी पानी हो गया और गाड़ी को 2 दफा के खड़ी कर दिया, बाकी गली में पानी पानी हो गया। तो गाइज ऊपर चलते हैं। तो गाइज अभी सू स्कूल से आई थी और आपको दिखा दूं भाई, हम सुबह जल्दी गांव जाएंगे, गाड़ी के टायर में हवा बिल्कुल निकल चुकी है, पंचर बना के लेके आएंगे। तो अभी ईसू ऊपर नहीं जाने वाली है, ईसू गेट खोलेगी और मैं गाड़ी निकालूंगा, जा गेट खोल। गाइज ईसा गाड़ी में बैठी है और यहाँ हम पहुँच गए पंचर की दुकान पर, तो अभी पंचर ठीक करवाएंगे गाड़ी की। ओ भाई साहब पंचर ठीक करवाने के बाद हम चलेंगे, और अभी अंकल जी देख रहे हैं पंचर को, तो देखते हैं पंचर है या फिर नहीं है। और ये इसको चाहिए बस खाने का कुछ ना कुछ सिस्टम। भाई जना गाड़ी के टायर में हवा, चारों टायरों में हवा फिक्स करवा ली है और सुबह जल्दी निकलेंगे मॉर्निंग में, यानी कि 4-5 बजे जल्दी अंधेरे अंधेरे निकल जाएंगे। तो ईसू को भाई चॉकलेट चाहिए, ये दिल्ली के बच्चे है ना गंदे होते हैं, मैं बोल रहा हूँ गन्ने का जूस पी लेते हैं, ये बोल रही नहीं पीऊंगी मैं। अब देख मैं गन्ने का जूस पीऊंगा, तू खाएगी चॉकलेट, कितनी बेकार चीज है, मैं गन्ने का जूस पी के जाऊँ कितना अच्छी चीज है। आप भी कमेंट करके बताना इस आपको कि ये फालतू चीजें नहीं खानी चाहिए और फालतू चीजें नहीं खानी चाहिए और बाकी जूस वगैरह पीना चाहिए। ओके अब देखना कमेंट आएगा, अब देखना तेरे ऊपर संस्कारी मत बनना, ठीक है? संस्कारी क्या बात है इसमें। गाइस गन्ने का जूस अंकल ने निकाल के मुझे दे दिया, ऐसा देख रही है मैं पी रहा हूँ। नहीं तू जो आइसक्रीम खानी है ना, तूने मना क्यों किया? जो मैं दे रहा हूँ चल दे रहा हूँ। देखो गाइज मेरे गन्ने के जूस में से पी गई, बता कैसा लगा? और ले लू चॉकलेट रहने दे, बस चॉकलेट चाहिए तुझे तो आराम से लेके आना तुरंत ना, और फालतू चीज नहीं लेना, जाओ। तो गाइज ईसु जा रही है चॉकलेट लेने दुकान पे, देखो आगे आगे कुछ ना कुछ बात है। आंटी बोल रही है कि है ना चॉकलेट वाली है ना वो ना जो चॉकलेट वाली। गाइज फिर से मेरे से पूछ के फिर गई वापस, देखो पर चाहिए आइसक्रीम इसे, बस देख के भी आ गई ये देखो। अरे मुन्ना कौन सी है ये? ऑरेंज। ये भी अच्छी रहती है, चॉकलेट चॉकलेट क्या खाती, कभी कभी अलग भी खाया करे सा, मार्केट में कई सारे आइसक्रीम है सबको टेस्ट किया कर। ओके तो गाइज ईसा जा रही है गेट खोलने, जाओ जल्दी खोलो। गाइज ईसा ने गेट खोल दिया, गाड़ी को पार्क करते हैं और भाई मॉर्निंग में चलेंगे अपन अपने घर। गाइज इसकी प्लानिंग थी मुझे छोड़ के लिफ्ट में अकेले जाने की, फिर भी मैं आ गया गेट को बंद करके तुरंत, इसलिए चॉकलेट दिलाता हूँ तेरे को, मेरे को छोड़ के भग जाए, ठीक है? बस इसके ये फालतू की चीजें चाहिए इसको, फालतू की क्या ये क्या पंखे में लगाएगी उसको लम्बे डाल दू। आइसक्रीम देखो यार कहाँ गई यार, प्लीज यार दे दो यार, तुम कैसे मांगो यार दे दो ना, ऐसे नहीं करूंगी पक्का पक्का, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी आपसे, कभी मस्ती नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी आपसे, कभी मजाक नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। सॉरी बोलो दोबारा, बोलो मामू आइसक्रीम दे दो प्लीज, आइसक्रीम दे दो प्लीज। लो आपको भी चाहिए,
आइसक्रीम चाहिए आपको? गाइज पैकिंग सेकिंग चल रही है भाई, अभी से ही घर जाने की तैयारी। सुबह जाएंगे तो आज ही मिंटू ने पेड़ वेड़ बाहर निकाल दिए, क्योंकि आंटी पानी दे देगी, इसलिए सारे पौधों को बाहर निकालेगी मिंटू। गाइज गुड मॉर्निंग, और गाइज आपको बता दूं अभी हम जा रहे हैं मेरे घर, तो डुगू जा रही है ये लेके। डुगू ये क्या है? तो गाइज गाड़ी में सामान रख रहे हैं और अभी गाड़ी बाहर निकलेगी। ईशा बाहर आ चुकी है, ईशा आज मेरे घर चल रही है, बुरी तरह से पिटूंगा तुझे ले जाके वहाँ पे। ओके पीट दूँ? चलो ठीक है फिर। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ईशा की जिद थी कि भाई शीशा खोल दो, लेकिन शीशा हम लोगों ने नहीं खोला क्योंकि इसकी चलती भी नहीं है बिल्कुल भी घर में, तो चुपचाप गुस्सा होके सो गई। अब ये घर पहुँचेंगे तब तक गुस्सा रहेगा, वहाँ जाने के बाद दो चाट लगाऊंगा, आने के बाद इसका गुस्सा खत्म। ना घर जा रहे थे दिल्ली मुंबई हाईवे से, तो भाई साहब भूख लग गई बीच में, तो मैं खाने लग गया केला, क्योंकि यार सुबह जल्दी निकल गए। बाकी जीजू बैठ के साइड में, गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ, और भाई साहब इस पे गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, एक देख सकते हो आप। मतलब 100 की स्पीड से लगती है जैसे 10-20 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है ना। तो चलते हैं, गाड़ी अपनी एकड़ी केले के छिलकों को फेंकते हैं इधर साइड में और गाड़ी में चलते हैं भाई। गाइस ब्लॉक करते हैं बंद, अब डायरेक्ट घर का दिखाऊंगा क्योंकि मैं चलाने वाला हूँ घर तक गाड़ी। ओके फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं भड़कापाड़ा और यहाँ उतरने वाले हैं भाई। हाईवे का एंड भी हो जाता है, आगे नहीं जाता यहाँ से, अभी आगे काम चल रहा है। ईशु बोल रही है मुझे लगा भाई गधे हैं ये देखो। गाइस ना मुझे ना ये क्योंकि लगा कि ना मेरे सामने ही गधा है जो गाड़ी चला रहा है। तो गाइस हम पहुंच गए फाइनली मेरे घर और फाटक आ गए, ईशु उतर गए फाटक। ईशु खोलेगी आज, खोलो। और गाइज खड्डे खुदवाए थे ना, देखो मिट्टी कैसे पड़ी है भाई, ऊंचा ऊंचा ढेर लगा पड़ा। गाइज गांव पहुंच गया, और भाई गांव पहुंचने के बाद मैंने ना पूरी जगह घूमा, नींबू के बगीचे में भी जाके आया था और घूम घाम के आ गया। और गाइज मैं आपको ब्लॉग हर बार नींबू का बगीचा ये मेरे खड्डे वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बाकी गाँव में घूम रहा हूँ और आप खेत देख सकते हैं, अभी पूरी फसल कट चुकी है और सीन कुछ ऐसा दिखने वाला है यहाँ का। और ये भैंसों के लिए बाजरा बो दिया था घर पे, तो इतना बड़ा हो चुका है, अभी इतना बड़ा होगा फिर इसको काटेंगे। बाकी बादल का सीन आप देख सकते हो गाँव में कितना प्यारा, वाह। और ये पेड़ है ना हमारे सबसे बेस्ट है भाई, हर मतलब सर्दी गर्मी बारिश के टाइम पे सब पे ये फूल देता है, रहता है रेगुलर फूल देता है ये, तो इसको थैंक यू भाई, हमारे घर की बहुत ही ज़्यादा सुंदरता बढ़ा देता है ये पेड़। और भाई सब प्रकाश आ रहा, देखो वहाँ से मेरा बड़ा वाला भाई। अभी हम जा रहे हैं शादी में, तो गाइज वहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे किसी के फंक्शन में ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता, और देखो अपनी अपनी प्राइवेसी होती है तो मैं किसी की प्राइवेसी शेयर भी नहीं कर सकता। तो गाइज मैं गाँव आ गया और आप लोगों को पता लग गया होगा, बस यही चीज़ बोलना था आपको। तो गाइज और कुछ नई चीज़ होगी तो वो भी बना के आपको दिखा दूंगा। जामुन का पेड़ है, इतना बड़ा हो चुका है देखो, अब ये इतना बड़ा होगा फिर जामुन 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 खाने को मिलेगी भयंकर वाली। मेरी बात सुनो, अगर आप ना वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट है ना, और जूतों का कलर ऐसा जैसे चप्पल है वैसा कलर ना जूती का ना, एक नंबर कत्ते ही जहर वाला लुक होता वो, लेकिन आप तो उल्टा कर दिया, वाइट पैंट और ब्लैक शर्ट कर दी, ये अच्छा। गाइज हम जिस दीदी की शादी में गए थे उन दीदी का नाम है मनप्रीत, और आप देख सकते हो गाइज ये माधोपुर में मैनपुरा गांव है, दीदी टीचर है, और भाई इनकी जो बारात गई थी वो यहीं से गई थी मेरे श्री माँ से, किशनपुरा के पास में ही है। तो हम लोग भी शादी में गए, शादी को एंजॉय किया और भाई खाना वाना खा के एक डेढ़ घंटा रुक के। तो बस भाई को सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, एक प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ते रहना, और बस ढेर सारा प्यार देते रहना ना।